केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने उज्जैन में सफाई कर्मचारियों के साथ किया संवाद, कहा मेला ढोने वाले सफाई कर्मियों को स्वावलंबी बनाने के लिए सरकार कर रही है प्रयास। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल ने दमोह में लायंस क्लब के कार्यक्रम को किया संबोधित, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सिद्धांतों को जीवन में उतारने का किया आह्वान। भोपाल में आयोजित 26वीं पावस व्याख्यान माला में महात्मा गांधी के आदर्शों और विचारों के महत्व का किया गया प्रतिपादन, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल व्याख्यान माला में हुए शामिल, केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्र की एकता के लिए हिंदी को बताया आवश्यक। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री 12 अगस्त को आएंगे इंदौर, दिन भर कई स्थानीय कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा, सुबह 10:30 बजे इंदौर पहुंचेंगे सूचना एवं प्रसारण मंत्री, शाम करीब 5 बजे इंदौर से दिल्ली के लिए होंगे रवाना। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अनंतनाग के लोगों से मुलाकात कर उनका जाना हाल, जम्मू कश्मीर में लोगों को उज्जवल भविष्य का दिलाया भरोसा। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए नामांकन शुक्रवार से हुए शुरू, छोटे और सीमांत किसानों को पेंशन देने के लिए शुरू की गई है योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल और एक सुरक्षित कल देने के लिए सरकार का महत्वाकांक्षी प्रयास। स्वाधीनता दिवस पर राज्यपाल लालजी टंडन राजभवन में फहराएंगे तिरंगा, राजभवन द्वारा स्वाधीनता दिवस पर 13 से 16 अगस्त तक विभिन्न कार्यक्रमों का होगा आयोजन, आमजनों के लिए 13 से 16 अगस्त तक खुला रहेगा राजभवन। आदिवासी बहुल उमरिया जिले में 1 से 15 अगस्त तक मनाया जा रहा है स्वच्छता पखवाड़ा, नेहरू युवा केंद्र के वॉलंटियर्स ने ग्रामीणों के साथ भरोला ग्राम के शासकीय विद्यालय में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की, ग्रामीणों को स्वच्छता की दिलाई शपथ। मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक वीके सिंह ने इंदौर पुलिस के क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड प्लाटिंग ऐप CTAP का किया शुभारंभ, इस ऐप को अपराध नियंत्रण में बताया महत्वपूर्ण, पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी रहे उपस्थित। त्याग और बलिदान के पावन पर्व ईद उल जुहा को लेकर देश भर में धार्मिक उत्साह, बोहरा समाज आज मना रहा है ईद उल जुहा, इंदौर के सैफी नगर स्थित मुख्य मस्जिद में फजर की नमाज के बाद हुई ईद की विशेष नमाज। रक्षाबंधन के पावन पर्व को लेकर प्रदेश भर में दिख रहा है धार्मिक उत्साह, शिवपुरी में निःशक्त जनों के लिए संचालित दिव्यांग विद्यालय के छात्रों ने बनाई आकर्षक राखियां। भगवान शिव की आराधना के पावन माह श्रावण का आखिरी सोमवार कल महाकालेश्वर ओंकारेश्वर और मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर में भोले के भक्तों की उमड़ेगी भीड़, भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने किए विशेष इंतजाम। कांग्रेस कार्य समिति ने UPA चेयरपर्सन सोनिया गांधी को चुना कांग्रेस का अंतरिम अध्यक्ष, राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद कांग्रेस कार्य समिति की देर रात बैठक में हुआ निर्णय। केरल महाराष्ट्र कर्नाटक और गुजरात में बाढ़ और भारी बारिश से बढ़ी मुश्किलें, की 3 दिनों से हो रही बारिश से अब तक 129 लोगों की मौत, 6 लाख लोग हुए बेघर। और प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री आरिफ अकील ने आरा मशीन संचालकों के साथ की बैठक, आरा मिलों के विस्थापन के लिए विकास कार्य और भूमि आवंटन का काम MSME विभाग को करने के दिए निर्देश।